तो दीपक, क्या मुझे ये बता सकते हैं कि एड्स क्या होता है? इस बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं है? नहीं। ओडीसी भी नहीं है? नहीं नहीं, ये पता है, लड़कियों से फैलता है। लड़कियों से फैलता है? अच्छा, माइंड इमेज में है। अदिति, अदिति, हो जाए। सो गाइस, माय क्वेश्चन इज, व्हाट इज एड्स? अमित सोलंकी। तो अमित, क्या मैं जान सकती हूँ कि एड्स क्या होता है? वेरी डर्टी वायरस। डर्टी वायरस? अच्छा, ये डर्टी वायरस फैलता कैसे? कैन यू टेल मी कि एड्स क्या होता है? अच्छा, एक बार ट्राई कर लो। एड्स नॉर्मली सबको पता है क्या होता है। क्या होता है, वही तो पूछ रहे हैं, क्या होता है? एक नॉर्मल डिजीज होती है, मतलब एक प्रॉब्लम होती है जो हमारे एक अदर पर्सन से होती है, मतलब आपको पता है। अच्छा, ये होता कैसे है? होता कैसे है? नहीं क्या पता है आपको? यही कि ये बीमारी बहुत बुरी होती है। और कैसे होती है ये बीमारी? ये तो नहीं पता। नहीं पता? अच्छा, क्या आपको पता है कि एड्स क्या होता है? आपको नहीं पता? आपको बिल्कुल भी नहीं पता, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। एंड सुन, सो आई विल बी आस्किंग यू कि व्हाट इज एड्स? क्या रॉन्ग क्या है? प्लीज कल मैं नहीं बोल सकती, काफी अभी मुझे सॉरी। आप जानते हुए भी खुल के बात नहीं करते हैं एड्स पे। दरअसल एड्स कई कारणों की वजह से हो सकता है। सबसे पहला कारण एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों के साथ असुरक्षित रूप से यौन संबंध बनाने से, या फिर एचआईवी संक्रमित सुई के इस्तेमाल से, या फिर एचआईवी संक्रमित ब्लड के चढ़ाए जाने से, या फिर एचआईवी संक्रमित माँ से उसके होने वाले बच्चों को। और आज यानी 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। दरअसल एड्स डे हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि हमें ये याद रहे कि ये जानलेवा बीमारी आज भी हमारे बीच में पनप रही है और इसे हमें जड़ से खत्म करना है। तो भाई, हिस्सा बनिए इस बीमारी को जड़ से खत्म करिए विद रेडियो सिटी, और ये मैसेज स्प्रेड करिए कि बोलिए खुल के Stay safe and stay safe. यही है एड्स की दवा। सुनते रहिए रेडियो सिटी 91.9 FM, रग रग में बरेली सिटी। रेडियो सिटी।